सरकार अच्छा करती है, हम एकदम ऐसा करते हैं जैसे लगता है हम सरकार के प्रवक्ता हैं, और जहां गलती करती है तो वहां हम तो अच्छा से धोते भी हैं। कैसा महसूस करते हैं सर, इस देश के 90% शिक्षित नेता जो है आपका वीडियो देखते हैं सर, और उसमें इस देश के प्रधानमंत्री भी हैं, शायद आपको ये बात नहीं पता है, और रेलवे मिनिस्टर भी आपका वीडियो देख चुके हैं सर, और हाँ हमको आप मतलब ही हम जैसे शिक्षकों के वीडियो के वजह से जो है ना, शायद इसमें सुधार भी होने वाला है। कैसा महसूस करते हैं सर आप? सर सरकार की आंखों में आंखें डाल के आप सरकार की अच्छी नीतियों को भी बहुत अच्छे ढंग से बताते हैं, लेकिन जब गलत नीति होता है तो सरकार की आंखों में आंखें डाल के सवाल करते हैं, ये हिम्मत और हौसला सर आपके अंदर आता कहाँ से है सर? सर बिहारी है लोग कुछ तो है। और आप क्रीम पाउडर पोतिएगा, फेयर एंड लवली वगैरह, तो 18%। आप पढ़ने जाइएगा खान सर के पास, तब वो 18%। मतलब समझ रहे हैं मेंटेलिटी कहाँ जा रही है। ये 93% जो कटअप गया है सर, 93%, हाँ इस कटअप को थोड़ा कम होना चाहिए था कि नहीं सर? अच्छा ये बताइए सर कि जो ये एनटीपीसी में चार चार बार रिजल्ट दे दिया गया है एक ही बच्चे का, क्या ये एक सोची समझी साजिश है कि बच्चे फिर इसके लिए लड़ाई करें, ट्विटर पे ट्रेंड कराएं, जैसा कि आप लोगों का भी वीडियो बहुत सारा वायरल हुआ है और जिसके वजह से ट्विटर पे ट्रेंड भी हुआ है, और शायद सुनने में आ रहा है कि एनटीपीसी इसमें सुधार करेगा, तो इसकी क्या सच्चाई है सर? देखिए, एनटीपीसी को इसको सुधारना ही चाहिए और उसको सुधारना जरूरी भी है। रही बात एनटीपीसी का, कहना है कि शिक्षक लोग को समझ में नहीं आया, तो खुद एनटीपीसी सोचे कि जब शिक्षक को समझ में नहीं आया तो विद्यार्थी को क्या समझ में आएगा। अगर आप हिंदुस्तान के, हमसे अगर कोई पूछे कि राष्ट्रपति का नॉर्मलाइजेशन जो होता है किस तरह से उसकी चुनाव प्रक्रिया में नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, तो हम बता सकते हैं। लेकिन अगर हमसे ये पूछे कि रेलवे एनटीपीसी ने किस तरह से नॉर्मलाइजेशन किया, तो हमको छोड़िए हिंदुस्तान में जितने शिक्षक है कोई नहीं बता पाएगा कि किस तरह से किया। तो आप सोच सकते हैं कितनी कठिन समस्या है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन अपने हद तक सही है, लेकिन उसका प्रोसेस सबको पता होना चाहिए किस प्रोसेस से कर रहा है। दूसरा कि आरआरबी से कुछ भी पूछो तो कहता कि हमने नोटिफिकेशन में तो बोल दिया था ये होगा। कुछ भी पूछना चाहिए, हमने नोटिफिकेशन में पारा नंबर 7 पे बोला था। एक बच्चे से फॉर्म भराने के लिए इनका नोटिफिकेशन जानते हैं कितने पेज का था? 71 पेज का नोटिफिकेशन था। सोचिए 71 पेज का नोटिफिकेशन लड़का बैठ के पढ़ेगा, उसके सामने एग्जाम फॉर्म जल्दी भरना होता है, वरना कभी ट्रैफिक भर जाएगा, डेट खत्म हो जाएगा ये। और अगर एनटीपीसी को, आरआरबी को यह कहना है कि नहीं हमने नोटिफिकेशन में ये कहा था, तो यही आरआरबी एनटीपीसी ने कहा था कि हम एग्जाम जून 2019 में ले लेंगे, तो कहाँ गया मतलब ये नोटिफिकेशन? ये 2022 आ रहा है, तो 2019 में बोल के 2021 में एग्जाम लिया गया, तो वहां नोटिफिकेशन नहीं याद आ रहा है। मुख्य समस्या यही है कि 20 गुना बोला गया है तो 20 गुना दे दिया जाए। हम आपको एक डाटा देते हैं, 3,80,000 लड़कों को फेल नहीं किया गया, बल्कि उनको सेकेंड फेज का एग्जाम देने से ही रोक दिया गया। ये 93% जो कटअप गया है सर, 93%, हाँ इस कटअप को थोड़ा कम होना चाहिए था कि नहीं सर? देखिए, ये कट ऑफ बढ़ना पहले से फिक्स था। जिस हिसाब से रेलवे ने इस पर मतलब क्या किया, नहीं होता है तो कुछ कुछ नए नए चीजों को सीखना। अब आपको अपने से एक बात सोचिए कि एक सिंगल एग्जाम लिए हैं, उस एग्जाम में रेलवे ने कहा कि ग्रेजुएशन वाला भी लड़का भरे और इंटरमीडिएट वाला भी लड़का भरे। आप बताइए फायदा किसको होगा? जेन्युइन है ग्रेजुएशन वालों को होगा। पूछने पर कि ये क्वेश्चन जो सिंगल क्वेश्चन लिए हैं ये किसके लेवल का था, ग्रेजुएशन लेवल का था कि इंटर लेवल का था, तो उनका कहना है कि इंटर लेवल का। अगर इंटर लेवल का है तो ग्रेजुएशन वाले को वैसे ही फायदा, और अगर ग्रेजुएशन लेवल का है तो इंटर वाला देगा कैसे? इसलिए जो कट ऑफ गया 93 वो केवल इंटरमीडिएट वाले लड़कों का गया है, ग्रेजुएशन वालों का नहीं गया है। उन लोगों का 80 के राउंड फिगर में है, अलग अलग बोर्ड पे थोड़ा बहुत 2-4 नंबर आगे पीछे वेरी करता है। उनका 76, किसी का 78 इस टाइप का है। जो इंटर वाले हैं उनका कट ऑफ हाई गया है। तो क्यों कट ऑफ आई गया है? क्योंकि ग्रेजुएशन वाले को वो सीट तो दिया ही गया है जिसके लिए वो एलिजिबल है। साथ में रेलवे का कहना है कि ये ग्रेजुएशन किया इसलिए इंटर वाले सीट पे तो ये बैठेगा ही बैठेगा। तो भाई आप दो अलग अलग एग्जाम ले लीजिए, तब ना हो सकता है उसको कि कोई आईएएस का एग्जाम पास किया, प्री पास किया, तो आप क्या मान लेंगे कि वो पीसीएस का भी पास कर सकता है? आपका मैंने वीडियो देखा सर, और आपका वीडियो देखने के बाद मैं रेल मंत्रालय के पास गया था, रेल भवन के पास, और वहां से वीडियो बनाया सर। आप उसमें बहुत गुस्से में लग रहे थे और बोल रहे थे सर कि अगर बच्चे नहीं उतरेंगे तो हम उतार देंगे, और दिल्ली का उतना क्षेत्रफल नहीं है जितने इस देश में युवा हैं। युवाओं के प्रति इतना प्रेम आपके दिल में कैसे आता है सर, सर वो इसके इसके भविष्य बारे है में थोड़ा इस देश बताएं। का, इस देश का भविष्य। हम आपको बोलते हैं मनीष जी, अगर आपको एक साल के लिए, अगर मतलब एक साल की योजना बनानी है तो आप चावल की खेती कीजिए, लेकिन अगर आपको 10 साल की योजना बनाना, आप शीशम का पेड़ लगा दीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारा 1,000 साल आगे सुरक्षित रहे, तो युवाओं को शिक्षित कीजिए। तो क्या करेंगे हम शिक्षित करके? हम तो चाहते हैं अगला 1,000 साल तक भारत सही रहे, अगले 1,000 की प्लानिंग है हमारी। तो वो अब आप एक कोई पढ़ता क्यों है? कहीं ना कहीं अगर वो खुद में अनसिक्योर हो जाएगा तो क्यों पढ़ेगा? लोग कहते हैं कि सब नौकरी थोड़ी करेगा, बिजनेस भी करो। अच्छा तो ट्रेनवा कौन चलाएगा? बिजनेसमैन। स्टेशन मास्टर कौन बनेगा? बिजनेसमैन। बताइए दरोगा कौन बनेगा? बिजनेसमैन। सर आपके पीछे जो है डिस्प्ले पे कलाम साहब एक स्माइल फेस के साथ हैं, और एक कहावत है कि मैंने देखा अल्लाह राम, एक थे अटल एक थे कलाम।
लेकिन अब उसमें कुछ चीजें जुड़ रहा है। मैंने देखा अल्लाह राम, एक थे अटल, एक थे कलाम, और एक खान सर हैं, थे नहीं हैं। और आपके अंदर लोग जो है अल्लाह और राम दोनों का मतलब कि सूरत देख रहे हैं। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ सर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत रिस्पेक्ट के नजर से जो है ना देश के लोग देखते हैं, क्योंकि मैं केरल में गया था, तो वहां पे जब मैंने बोला कि मैं बिहार से आया हूँ, तो वहां का एक ऑटो ड्राइवर बोला कि वही जो खान सर, तो हाँ, मैं बोला हाँ, तो अरे उसने बोला क्या, उसने बोला क्या कि मेरा बच्चा खान सर का मतलब कि वीडियो देखता है और उनसे पढ़ता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर। सर एक चीज बताइए सर, देश की बेरोजगारी किस प्रकार से दूर की जा सकती है, इसके बारे में कुछ बताइए सर। देखिए सर, बेरोजगारी का लड़कों का जो शिक्षा का स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड एक उसको वो स्टैंडर्ड की पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, वो ग्रेजुएशन में जा रहा है। एक सरकार हर टीचर से पूछिए कि तुम प्राइवेट टीचर बनना चाहते हो कि सरकारी, तो कहेगा हम सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है, क्योंकि वही सरकारी स्कूल वाला अपने बच्चे को बर्बाद किया है। एक अच्छी शिक्षा दीजिए, आप उसको कुछ मत दीजिए, आप उसको रोटी कपड़ा मकान मत दीजिए, उसे एक बेहतर शिक्षा दीजिए। देखिए रोटी कपड़ा मकान छीन लेगा वो, छीन लेगा वो, तो हम लोग उसको छीनना सिखाते हैं। कभी अधिकार मांगने से नहीं मिला, छीनना पड़ता है। आजादी हमें कटोरे में सजा के नहीं मिली थी, छीनना पड़ा था। शिक्षित लोग थे उस वक्त, जो उस समय की पढ़ाई थी लोगों ने उसे पढ़ा था, लेकिन जो अभी की पढ़ाई है, टेक्निकल चीज हर चीज है, तो हम जब तक शिक्षित नहीं कीजिएगा कुछ नहीं होगा। शिक्षा के स्टैंडर्ड को बढ़ाना पड़ेगा। आप देखेंगे हमको बड़ा खुशी होती है इस बात को देखे कि छोटा छोटा लड़का जिन्हें हम लोग, हम तो बहुत मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन वालों को ही हम पढ़ाते हैं, मतलब एटलीस्ट इंटर पढ़ा होना चाहिए, उसके नीचे वाले को हम लोग क्या पढ़ाएंगे। तो वो छोटे बच्चों को भी ना इंटरेस्ट आता है पढ़ने से। तो मेरा कहना है कि जो लॉर्ड मैकाले जो जहर बो के गया है, शिक्षा को बोझ बना के गया है, हमारा मकसद है कि उस बोझ को उतार देना, लड़कों के प्रति शिक्षा के प्रति प्रेम कर देना। जिस तरह प्यार में लोग पागल हो जाते हैं ना, फिर ना माँ बाप का सुनेगा ना समाज का सुनेगा, उस तरह प्यार हो जाए शिक्षा से, फिर वो किसी का नहीं सुनेगा, ले लेगा सर वो रोजगार तो बहुत, मतलब इधर जैसे बस शिक्षा सुधारिए वो लड़के ले लेगा। सर एक और मैं सवाल पूछने जा रहा हूँ सर आपसे। ये जो सरकारी वैकेंसियां हैं वो धीरे धीरे कम की जा रही है और कुछ जगहों पे खत्म की जा रही है। जैसे बैंकिंग का था, उसमें सीटें बहुत कम कर दी गई और बहुत सारे बैंकों को भेज दिया गया। रेलवे में बहुत सारे टीटी जो है वो प्राइवेट हो गए हैं, गार्ड प्राइवेट हो गए हैं, स्टेशन पे टिकट काउंटर पे टिकट काटने वाले लोग प्राइवेट हो गए हैं, सफाई कर्मी प्राइवेट है, और भी बहुत सारे सेक्टर में। आर्मी का भी जो वैकेंसी है वो समय पर नहीं निकाला जा रहा है, दौड़ होने के बाद भी वो समय पर वैकेंसी क्लियर नहीं किया जा रहा है। इन सब चीजों को कैसे समय पर किया जाए, और क्या ये सरकार की सोची समझी साजिश है कि युवाओं का भविष्य बर्बाद किया जाए, इस पे आपका क्या राय है सर? सर देखिए ये सब चीजों को उठाने के लिए, देश के आगे जाने के लिए मीडिया होना चाहिए। आप कुछ जैसे आप हैं, आप किसी भी चीज को बढ़ चढ़ के उठाते हैं। आपको क्या लगता है कि आपके जो पत्रकार की कैटेगरी है, क्या आपको लगता है कि जितनी ईमानदारी से आप करते हैं क्या बाकी लोग भी कर रहे हैं? बहुत गिने चुने मिलेंगे लोग आपको, तो ये तो उन लोग को उठाने की जरूरत है। हम आपको एक सिंपल सा बात बताते हैं, रेलवे ने जो वैकेंसी दिया था 37,000 वैकेंसी दिया था, 37,000 2019 में दिया था, अगर वो 5-5 या 10-10 हज़ार करके हर साल दे देता तो एक फ्लो बना रहता लड़कों का सिलेक्शन में। ये बताइए जो 2019 में फॉर्म भरा था उसको पता कब चलेगा कि वो फेल हो गया, पता है 2024 में क्या करेगा ये 5 साल में? वो उसको अगला चांस अगर भरेगा तो फिर कोई रिस्क लेगा, उसको 5 साल बाद अगर पता चलेगा तो। इसको रेगुलर फॉर्म में किया जाता तो देखिए पढ़ाई करने वाला अपना पढ़ाई करेगा, गवर्नमेंट जॉब वाला गवर्नमेंट करेगा, बिजनेस वाला बिजनेस करेंगे, लेकिन दोनों को सिखाने लगता है। कुछ लोग कहता है कि नौकरी देने वाला बनो, तो जजिया कौन चलाएगा? एयरफोर्स की वैकेंसी एग्जाम का रिजल्ट रोक के रखे हैं लोग, एयरफोर्स का। सोचिए सर कितना शर्म की बात है कि हमारी देश की सुरक्षा करने वाले, उन लोगों को पढ़ाए थे हम लोग तो कर रहे थे, सर रिजल्ट कब आएगा बताइए? ये एयरफोर्स का रिजल्ट रोकने की चीज होती है, जो सुरक्षा में खड़े हैं उनको साइड में रोक के रखे हैं, ये तो हाल हो गया है। सर एक और चीज, इस देश के जितने भी युवा हैं बहुत उम्मीद के साथ आपके तरफ देखते हैं, बहुत उम्मीद के साथ सर। इस देश, मैं एक सवाल पूछने जा रहा हूं, मुझे भी उसकी जानकारी नहीं है इसलिए मैं पूछने जा रहा हूं सर, इस देश का रोजगार मंत्री कौन है सर, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। रोजगार किसी एक मंत्रालय से तो आता नहीं है, हालांकि ये सबसे दोयम दर्जा का आप कहिए तो इसमें किसी की चिंता नहीं है। हकीकत में पूछिए तो किसी का नहीं गया, जब बोल ही गए आप अपने से खड़े होइए तो कम से कम एटलीस्ट उसको शिक्षा तो करने दीजिए। एक खुद से आपको, आप सोचिएगा तो आपको आपको हंसी आएगी। शिक्षा हर देश के लिए, खास करके भारत जैसे पिछड़ा जो मतलब जो गुलामी की बीड़ियों में इतने सालों तक जकड़ा रहा, उस देश को शिक्षित करना जरूरी है, और शिक्षा पे 18% GST है। सोचिए मतलब ये हंसी नहीं आ रही है आपको, इस सब लोग को पढ़ना चाहिए, शिक्षा पे 18% GST, आप मोबाइल खरीदिएगा तो 18%, यानी इंटरटेनमेंट की चीज पे भी 18%, और आप क्रीम पाउडर पोतिएगा फेरन लवली वगैरह तो 18%, आप पढ़ने जाइएगा खान सर के पास तब 18%, मतलब समझ रहे हैं मेंटेलिटी कहाँ जा रही है। सर आपको इतने चाव से लोग सुनते हैं, देखते हैं और आपको प्यार भी देते हैं सर, ये जो 18% वाला बात बोले हैं, ये देश के लोगों को पता है या नहीं पता है, या पता होने के बावजूद भी इस पे लोग ध्यान नहीं देना चाहते हैं, इसके बारे में सर थोड़ा सा बताइए सर। हम आपको एक बात बताते हैं, हम लड़के से फीस लेते हैं 200 रुपया, ठीक है, उस पर GST इनकम टैक्स TDI ये आपका सेस सरचार्ज काट कूट के सर्वर वगैरह कटा के 90 रुपए बचता है, यानी हमारी ओरिजिनल फीस तो 90 ही है ना।
तो बताइए शिक्षा का लेवल कितना नीचे हम कर सकते हैं, मतलब कितना सस्ता कर सकते हैं, आप सोच नहीं सकते। हमको लोग अगर हम अपनी फीस आज को 10,000 करेंगे तो भी लोग देंगे। लोग अलग अलग जगहों पे अलग अलग फी होती है, अलग अलग सब्जेक्ट पे भी वेरी कर सकता है। कोई बड़ा है मान के चलिए किसी में 10 टीचर पढ़ा रहे हैं तो उसमें हम 200 नहीं कर सकते, उसमें थोड़ा करना पड़ेगा। लेकिन एक अब सोचिए हमको, हमारा राजीव गांधी का मतलब कहना था जब वो प्रधानमंत्री थे, 100 रुपया ऊपर से चलता है तो 35 से 40 रुपया गाँव तक पहुंच पाता है। लेकिन हम बोलते हैं कि हम अगर यहाँ से जो पढ़ाते हैं देश का अंतिम गाँव कन्याकुमारी तक में भी 100% पहुंचता है, क्योंकि 100% ईमानदारी से आदमी पढ़ाता है इसलिए 100% पहुंचता है। वहां से भी अगर 100% ईमानदारी से चलेगा ना तो 100% पहुंचेगा। सर मैंने सिर्फ और सिर्फ आपसे 15 मिनट का समय लिया था और आपका समय बहुत कीमती है, हम लोग उसका सम्मान करते हैं और आपने जो समय दिया इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद सर। धन्यवाद एक आपका आखिरी भी। सवाल मैं पूछूंगा सर, सोनू सूद के पास भी मैं जब गया था तो वहां पे कुछ लोग हाँ मिले थे और सोनू सूद भी बाकायदा आपको जानते हैं, जो अरे हम आपने उनके तो लिए एक वीडियो बनाया था। धन्यवाद सर धन्यवाद बहुत कड़वा सवाल है सर, सरकार की आंखों में आंखें डाल के आप सरकार की अच्छी नीतियों को भी बहुत अच्छे ढंग से बताते हैं, लेकिन जब गलत नीति होता है तो सरकार की आंखों में आंखें डाल के सवाल करते हैं, ये हिम्मत और हौसला सर आपके अंदर आता कहाँ से है सर? सर, बिहारी है लोग कुछ तो है। ये चीज आप पूछ रहे हैं, आप बताइए कब आप डरे हैं किसी से पूछने में, नहीं ना। यही तो एक चीज है कि आदमी नहीं रोक सकता है। आप अच्छा करिएगा हम आपको अच्छा से करेंगे, यही कहा जाता है। हम लोग को बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि अगर कोई अच्छा करे तो पैर पड़ के उसको प्रणाम करो और गलत करे तो वही लात चला दो, दोनों में पीछे मत रहना है। तो ये चीज होनी चाहिए, किसी से नहीं, जो गलत है गलत है। अभी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुआ था, हमने 7-8 पॉइंट बताया था जिसमें एसपीजी ने गलती किया था। और जहां भी आप अगर मैंने हमको देखा था वीडियो। देखिएगा तो हमने जहां सरकार अच्छा करती है हम एकदम ऐसा कहते हैं जैसे लगता है हम सरकार के प्रवक्ता हैं, और जहां गलती करती है तो हम तो अच्छा से धोते भी हैं। कैसा महसूस करते हैं सर, इस देश के 90% शिक्षित नेता जो है आपका वीडियो देखते हैं सर, और उसमें इस देश के प्रधानमंत्री भी हैं, शायद आपको ये बात नहीं पता है, और रेलवे मिनिस्टर भी आपका वीडियो देख चुके हैं सर, और हाँ हमको आप भी हम जैसे शिक्षकों के वीडियो के वजह से जो है ना शायद इसमें सुधार भी होने वाला है, कैसा महसूस करते हैं सर आप? देखिए हर कोई इंसान हम कैसे महसूस कर सकता है। हमको काफी मतलब मेरा सपना रहता है कि देश बदलना चाहिए, तो देश बदलने में ना काफी वो मतलब आप थकवे नहीं कीजिएगा। जब आपको लग जाएगी नहीं हमको एक देश के पूरे सिस्टम को जो अंग्रेज जो गड्ढा खोद के गए उसको बदलने, तो एक काफी खुशी होती है ना कि अब एक ऐसी पीढ़ी जाग रही है जिसे रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस ऐसी पीढ़ी जाग रही है और शिक्षा के क्षेत्र से ही जागेगी, उसको हम जगा के रहेंगे। लेकिन हाँ यही कोशिश करना रहता है कि हर इंसान नहीं पढ़ सकता। आपको विश्वास नहीं होगा, हम एक बार जा रहे थे ऐसे गाड़ी में जाम लगी थी, आप पटना में तो है, हम आपको क्या बताएं, जाम यहाँ की कॉमन समस्या रहती है। तो एक आदमी सब्जी बेच रहा था ठेले पे और उसका बेटा ना क्लास कर रहा था, हमारा ही क्लास लेके, तो हम गाड़ी का शीशा नीचे करके हम कहे बाबू किसका क्लास कर रहे हो, तो कह रहा है डिस्टर्ब मत करो हमको। फिर ध्यान से देखा तो कह रहा है प्रणाम सर। तो सोचिए सर, ठेला वाला का लड़का कहाँ से बड़ी बड़ी फीस देके पढ़ सकता है। तो हम भी यही कहते हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि कम से कम फी में बेहतर से बेहतर शिक्षा गाँव के कन्याकुमारी के आखिरी गाँव तक पहुंचना चाहिए। मैं केरल के त्रिवेंद्रपुरम में था तो आपके बारे में ऑटो ड्राइवर ने बताया था मुझे। बहुत अच्छा लगा सर कि आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। आखिरी में सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज इस देश के युवाओं को दीजिए जिससे वो इस देश में क्रांति लाए और पॉजिटिव क्रांति लाए, ताकि अपना देश जो है ना वो महाशक्ति बन सके, विश्व गुरु बन सके। एक मैसेज सर युवाओं के लिए। कि हर युवाओं को क्या कहा जाए, तलवारों के साए में इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवाओं को भी कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन से बचिए, निरंतरता से पढ़ते रहिए। पढ़ाई ही एक ऐसा चीज है जो आपको अभी भी आपके हाथ में आपका फ्यूचर का हथियार है। अगर आपके पास शिक्षा आया तो हर चीज को आप लड़ के ले सकते हैं, और पढ़ाई के प्रति अगर आप पीछे हटेंगे तो आपको कोई साथ नहीं देगा। रही बात आप लोग की समस्याओं में, तो हम अपने आखिरी सांस तक डटे रहेंगे, आप लोग के साथ खड़े रहेंगे, युवाओं के साथ। और मनीष जी आपको भी बहुत आपका भी धन्यवाद जो आप ऐसे चीजों को उठाते हैं, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। कभी हम लोग को भी इस तरह मुद्दों को आपने स्टूडेंट्स की बातों को समझे जो यहाँ तक उठाए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य के आप कलाम हैं इस देश के, जैसे आधुनिक भारत के निर्माता कलाम थे, मिसाइल के द्वारा उन्होंने आधुनिक भारत का निर्माण किया था, वैसे ही डिजिटल युग में जो है आधुनिक भारत का निर्माण जो है आप कर रहे हैं एजुकेशन के सेक्टर से। सच तक मनीष न्यूज जी में हम आप आपको जुड़े, इसमें हमें एक चीज समय दिए। जरूर कहना चाहेंगे, आपको कि देखिए ऐसा नहीं है कि अगर लोग खान सर को जानते हैं तो ऐसा नहीं, हर गली में एक लड़का है, हर भारत के हर मोहल्ले में एक कलाम है। आप उसको मौका दे के देखिए, वो देश की सूरत बदल देगा, बस आपको खोज के देखिए। हमको आज के वक्त में भी फेसबुक चलाने नहीं आता है, आज के वक्त में भी आई डोंट नो हाउ टू यूज फेसबुक, हमारा नहीं आता है। लेकिन फिर भी लॉकडाउन के वजह से मजबूरी में हमको सीखना पड़ा, ये सब चीज हमको नहीं आता था कैसे चलाने के लिए। तो हम हर लोगों को कहते हैं कि आपको जरूरी नहीं कि आप हर मतलब बस देश के युवाओं को एक जामवंत की जरूरत है, फिर हर गली से एक हनुमान निकलेगा। सच तक न्यूज में जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, और आखिरी में मैं सर आपको सिर्फ एक ही बात कहूंगा, जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद जय हिंद।